कॉन्सर्ट है तो वो फीलर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है तुम्हारे अंदर आएगा ये फीलर की हॉर्स राइड हो रही है कभी से हाय बी ब्रेव ओके डोंट बी स्कैर्ड भैया ध्यान रखना पकड़ के रखे पीछे ना बाय बाय कभी डोंट लीव इट ओके हैविंग फन लुक एट मी और एक स्कैर्ड मॉम यहाँ पे पीछे पीछे कि मेरे बेटे को क्या हो जाएगा घोड़ा दे गया मेरे बेटे को यू लुक लाइक अ किंग कबीर वेरी नाइस हेलो कबीर हाय बड़ी लुक एट मी कबीर कबू आराम से उतरना ठीक है होल्ड भैया नाइसली एंड देयर यू गो गो टू मम्मा शी इज अनेबल टू ब्रीथ ये फाइनली हमारे चारों की पिक्चर एक साथ कबू अपना शिमला में पोज देते हुए पैर पीछे और साइड में शकल कबू किसने सिखाया ये पोज तुम्हें ये लग रहा है डैडी ने सिखाया है अमेजिंग पोज वेरी नाइस ओहो क्या बात है मानो जबरदस्त तो कबीर अपनी जो लेगेसी है वो मेंटेन करते हुए तीन ग्लास आए थे तीनों को अपने पास खींच रहा था और एक ग्लास गिर गया गिरते के साथ ही बोला कि डू यू फॉरगिव मी मम्मी को मम्मी डू यू फॉरगिव हिम उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं no, no. क्या कर रहे हो बाबा हाँ अरे पीपी रुक रही है यार अच्छा अच्छा क्या पिछले 1.5 घंटे से ये तीनों एकदम ऐसे सो रहे थे जैसे कि पता नहीं कितना थक गए हो और गाइस मानसी तीनों इसलिए बोलते हैं क्योंकि मानसी को नींद से नफरत है बिल्कुल भी नहीं मानसी बिल्कुल दोपहर को नहीं सोती है मैं बोलता रहता हूँ कि सो जा मैं सोई थी और फिर 40 मिनट बाद नूर का वेक साइकिल होता है वो उठ गई मुझे उसको वापस सुलाना पड़ा उतने में फिर मेरी नींद खुल गई क्योंकि जब एक बार हम सुलाने के लिए उठते हुए नींद उठ जाती है कद्दू शोना शोना आर यू अवेक डैडी इज देयर तो आप में से काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि नूर के लिए हम फूड वगैरह क्या कैरी कर रहे हैं तो फूड तो ज़्यादा कैरी नहीं कर रहे बट हम ये प्रोसेसर कैरी कर रहे हैं जिसमें कबू का फूड जो है वो नूर का फूड जो है वो स्टीम हो जाता है तो यहाँ पे हमने होटल से कैरेट मंगाया कैरेट को हमने छोटे छोटे डाइस में काट लिया और उसके बाद यहाँ पे स्टीमर के अंदर डाल दिया है 20 मिनट्स के लिए स्टीम करेंगे और उसके बाद इसी के अंदर ब्लेंड कर देंगे तो ये डिवाइस हमें काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि सारा काम जो है नूर के फूड का सॉलिड्स का प्यूरी बनाने का ये सारा इसके अंदर हो जाता है तो ये रहा नूर की बात और ये मैं और मानसी कॉफ़ी पियेंगे और कबीर ने अपना एक बनाना खाया मैंने बनाना खाया मैंने उसके लिए प्लेन मिल्क मंगाया थोड़ा शुगर ऐड किया इन्होंने साथ में बॉर्नविटा भी दे दिया बट हम यूज़ नहीं करेंगे ओके तो वो ये लेगा और साथ में एक आधा बिस्किट खा लेगा या, क्योंकि कबीर को बॉर्नविटा अच्छा नहीं लगता हाँ, प्लेन मिल्क प्रेफर करता है या तो फिर वो सुपर मिल्क लेता है और काफ़ी सारे होटल्स में ना ये सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं जैसे इसका उन्होंने चार्ज नहीं लिया तो आप अगर आप बोल दो कि आपको बच्चों के लिए चाहिए तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ही मिल जाता है इस बार हम लोग नूर का बूस्टर सीट नहीं लेके आ पाए क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं थी और या तो हमें ये स्टेरिलाइजर वगैरह छोड़ना पड़ता या बूस्टर सीट छोड़ना पड़ता तो हमने बूस्टर सीट छोड़ दिया ये सोच के कि हमारा एक्चुअल प्लान था कि जो बग्गी है वो यूज करेंगे बट अब बग्गी भी टूटी हुई है बट बग्गी में डाल के ट्राई कर सकते हैं मानो ट्राई करें हमने बूस्टर सीट का बैकअप प्लान यही सोचा था कि नूर को कार सीट में बिठाएंगे क्योंकि कार सीट में ये बकल्स वगैरह हैं और बिठा के खिलाने की कोशिश करेंगे बट नूर को बिल्कुल नहीं बैठना हमने कार सीट के अंदर बांध के नूर को हाँ बग्गी के अंदर कार सीट नहीं बग्गी के अंदर इसको स्ट्रैप करके खिला दिया थोड़ा सा बस आप मेस की चिंता मत करना क्योंकि मेस होगा बच्चों के खाने में स्पेशली फर्स्ट फूड्स है तो मेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है बट थोड़ा सा भी खा ले बच्चा तब भी आपको पता है कि सॉलिड की जर्नी जो है वो कंटिन्यू हो रही है तो ये नूर का फेवरेट टॉय है उसको इससे साउंड जो है वो बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नूर इसको ना ऐसे शेक करती रहती है और कभी ये वाला पार्ट यहाँ लग जाता है कभी ये वाला पार्ट सर पे लग जाता है
तो खुद को ही चोट देती है और फिर रोती रहती है। नूर ध्यान से भाई, फिगर इट आउट, हाँ कि आपको चोट लग सकता है इससे। अब तो नूर इंडिपेंडेंटली बैठ के भी खेलना सीख गई है, काफ़ी देर बैठ लेती है बट बीच में धम्मू भी हो जाती है, आराम से दुम। We have given some clothes for washing. Are they ready? Can you send them? Okay guys, एक और नाइट आउट है हमारा शिमला में, लास्ट डे। एंड ज्यादा कुछ हमने करा नहीं शिमला में, हमने चिल किया बिल्कुल। और हमें ये भी देखना था कि हम मतलब चारों मिलके एक वेकेशन ले सकते हैं नहीं ले सकते क्योंकि नूर को संभालना और कबीर को संभालना इन इट सेल्फ इज अ बिग टास्क। उसके बीच में कुछ भी हमारे लिए स्क्वीज हो जाए तो दैट्स सोने पे सुहागा। बट वो बोलते हैं ना, पेरेंट्स का कभी वेकेशन नहीं होता, उनका सिर्फ चेंज ऑफ लोकेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सब कंटिन्यू होता है। हमारी मेहनत चंडीगढ़ में चल रही थी अब शिमला में चल रही है। गाइस दैट्स नूर, पूरी तरीके से कवर होके आई है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले बाथ लिया था और आज वो बिल्कुल कबू लग रही है। और कबू कुछ भी बोलता है उसके फेस पे इतनी ब्राइट स्माइल आती है, उसको कुछ समझ नहीं आता। बट कबू नो भी बोल रहा है तो भी उसको स्माइल आ रही है। यस हक कर दो, हक कर दो, सो स्वीट, गुड बाय। हाउ इज इट गुड? You know what she's saying? What? कि मुझे बड़ा होने दे, मैं ऐसे पकड़ पकड़ के देखो किस कर दूंगी। Why is she saying Hindi? और ये कैप भी इसने कबीर की पहनी है, remember? No. अच्छा हमारे साथ होता है हर वेकेशन में ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नूर का भी इतना वाह 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 जो है ये वेकेशन में ही निकला है लास्ट एक दो दिन से। भैया तुम्हारा सॉलिड फूड है कबू? तो हम लोग बैठे हुए हैं मोमोज सेंटर में मोमोज खाने के लिए, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, मानो मैंने कभी नहीं देखी इतनी भीड़। यार शिमला शिमला की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मली भी इतनी भीड़ नहीं देखी कभी। मतलब अगर आपको बाहर दिखाऊं ना, लोगों की लाइन खचा खच है, मतलब हर जगह पैदल चलने की जगह नहीं है। सो गाइज वी हैव कम बैक, बट बताने की मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि इस टाइम पे अगर ये फेस्टिवल हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ शिमला जो है वो अवॉइड करिएगा। आई एम श्योर ये नेक्स्ट ईयर भी होगा, बट जो आप लोगों में से ये व्लॉग देख रहा है और प्लान कर रहे हैं प्लीज़ चेक करके आइए कि ऐसा कोई समर फेस्टिवल तो नहीं है, बिकॉज इट वॉज सो क्राउडेड दैट वी कुड नॉट इवन लाइक बी आउटसाइड, वी जस्ट वेंट, हमने खाना वाना खाया, हम लोग फटाक से वापस आ गए। बट कबीर वॉज अ वेरी गुड बॉय, उसने ज़्यादा कंप्लेन नहीं करी, वो काफ़ी पैदल भी चला। और अभी मैं आ गया हूँ, नूर सो रही है, मानसी पंप कर रही है, मैं अपना ब्लॉग एडिट करूँगा और उसके बाद सो जाऊँगा क्योंकि कल हमें अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करना है। कल के लोकेशन के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि कल हम लोग निकल रहे हैं चैल की तरफ, जहाँ पर हमें एयरबीएनबी में हमने रिजर्वेशन कराया हुआ है। फर्स्ट टाइम वी गोना स्टे एट एन एयरबीएनबी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट स्टे, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट स्टे। वहाँ पे बीप और जॉय मतलब दोनों की फैमिलीज भी आएंगी, वो हमसे मिलेंगे, आप लोग उनसे मिल चुके हैं हमारे व्लॉग्स में, तो कल दोबारा से मिलेंगे। बट टुनाइट वी गोना कॉल इट नाइट, वी गो ऑफ टू स्लीप एंड विल टॉक टू यू गाइस अगेन सून। क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया भाभी, भूख को लग गया नो? चलो चलो दूध दो, ओके दूध आ गया, आ गया दूध आ गया, दिस इज नाइस हैप्पीनेस। नाच लो थोड़ा, भरतनाट्यम कर लो, वेरी गुड। ओके गाइस तो हम लोग शिमला से चेकआउट करने के लिए रेडी हो गए हैं और ये है हमारा टोटल सामान जो हम लाए हैं कार में। ये मीडियम बैग, ये स्मॉल बैग जो चंडीगढ़ का था लेकिन इसके अंदर मेडिसिंस थे तो हमें यहाँ पे भी लाना पड़ा। उसके बाद दो ये बड़े बैग है जो मैंने आपको दिखाया था ट्रिप के स्टार्टिंग पे। इस बैग में स्नैक्स हैं और कबीर के टॉयज वगैरह हैं। इस बैग में सारे खाने पीने का सामान है, मतलब फूड प्रोसेसर, बर्तन, ओट्स, सीरियल्स, वो सारी चीज़ें हैं। और ये नूर की बग्गी है जिसका एक पहिया टूटा हुआ है बट फिर भी हम लेके जा रहे हैं क्योंकि ये भी काम आ रहा है, नूर को यहाँ पे बिठा के हम लोग खाना खिलाते हैं। तो ये है हमारा सारा सामान। यस यस आई बॉट यू वन मोर। I think Kabir we bought two. Three we bought. One we bought पहले. Okay. And two we bought the next day, right? Okay. चलो अंदर. कैसे रख रही हो तुम कबू? करना? No. तो फिर से. No.
भैया क्यूट है ना, भैया बहुत क्यूट है, भैया इसको बहुत मजा, भैया मेरा फेवरेट है। अच्छा भैया ने सुबह उठ के भी नूर का इतना अच्छे से ध्यान रखा कि नूर को लग ना जाए, नूर गिर ना जाए। बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं, एक्साइटमेंट हो रही है कि फटाफट पहुंचे, बिकॉज हमें बोला गया है कि अगर आप 8:30 निकलोगे तो आपको बिना ट्रैफिक के 1 घंटे में पहुंच जाओगे। तो वी डोंट वांट टू बी इन द कार फॉर 2 आवर्स। वहीं पे पहुंच के हम आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे। क्या खाएंगे आज? पैनकेक्स खाएंगे। और ना घर का खाना खाने का मैं मन कर रहा है ना, मतलब बाहर का खाना वैसे ही पसंद नहीं करते। हाँ, हम लोग नहीं खाते हैं बहुत बाहर का बहुत ज्यादा, और एक ना क्रेविंग 4 दिन में क्रेविंग हो गई है कि कोई दाल चावल या वो घर का बना हुआ चिकन करी और राइस। काश मैं कुक कर पाऊँ वहाँ पे। हाँ, हो सकता है। तो ये हमारा होटल है, हम लोग चेकआउट कर रहे हैं अभी। अगर आप वो देख सकते हैं लैम्प के ऊपर, वहाँ पे वो मॉल रोड वाला लिफ्ट है और ये हमारे मॉल रोड वाली पब्लिक है। आ जाओ गाइस, कम ऑन। तो ऑलमोस्ट 1/2 आवर हो गया है, हम लोग पार्किंग में ही अटके हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली गाड़ियाँ इस तरीके से लगी हुई थी कि निकलना मुश्किल हो रहा है, इनको सारी गाड़ियाँ निकालनी है, उसके बाद हमारी गाड़ी की निकलने की जगह बनेगी। और एक गाड़ी है जो खड़ी हुई है, इसके जो ओनर हैं वो चाबी दे के नहीं गए हैं। तो ऑब्वियसली हर बंदा अपना कन्वीनियंस देखता है, बट उससे बाकी लोगों को इनकन्वीनियंस होता है वो सोचते नहीं है। बट अगर ये चाबी देके जाते पार्किंग में तो ये गाड़ी पहले निकलती, हमारी गाड़ी आराम से निकल जाती। बट एनीवेज वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब निकलते हैं। इट्स अराउंड 8:52 गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। 2 रास्ते थे, एक ओल्ड बस स्टैंड से था और एक इस तरफ से था टनल से, नहीं सॉरी एक दूसरी तरफ से था और एक ओल्ड बस स्टैंड से था जो टनल से लेके जाता है। तो हम लोगों ने टनल वाला रास्ता लिया, हमें कुफरी चैल हाईवे लेना है। तो लेट्स सी हम किस तरीके से पहुंचते हैं।